अच्छा लगेगा जी। पढ़ू जो नाते नबी तो जबान खुशबू दे, जबान ही नहीं सारा जहान खुशबू दे, मेरे नबी का पसीना जिसे भी लग जाए तो एक फर्द नहीं
खानदान खुशबू दे। लेकिन फिर कहना है क्या, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, ये दिल बख्शा तो मौला, ये दिल बख्शा तो मौला, बख्श दे उल्फत मुहम्मद की। आमीन आमीन। दिल बख्शा तो मौला, बख्श दे उल्फत मोहम्मद की। ये दिल बख्शा तो मौला, बख्श दे उल्फत मोहम्मद की। वाह। जुदी आंखें तो दिखला दे खुदा सूरत मोहम्मद की। जुदी आंखें तो दिखला दे खुदा सूरत मोहम्मद की। वाह बहुत बहुत शुक्रिया। करते फिरते हैं क्या, कि सबसे पहले बख्शी जाएगी उम्मत मुहम्मद की। क्या बात है। कयामत में फरिश्ते ये मुनादी करते फिरते हैं, जाएगी उम्मत मोहम्मद की। समयनी कयामत में फरिश्ते ये मुनादी यानी ऐलान करते फिरते हैं कि सबसे पहले बख्शी जाएगी उम्मत मोहम्मद की बेशक। लेकिन ये चार मिसरे देखिए, कहना है क्या, नबी की याद को, नबी की याद को दिल में बसाए रखना है, ये दो जहान की दौलत छुपाए रखना है। नबी की याद को दिल में बसाए रखना है, ये दो जहान की दौलत छुपाए रखना है। नबी की याद को दिल में बसाए रखना है, ये दो जहान की दौलत छुपाए रखना है। जहां में इश्क़े मोहम्मद है जिंदगी अपनी तमाम उम्र यही लौ लगाए रखना है। तमाम उम्र यही लौ लगाए रखना है, तमाम उम्र यही लौ लगाए रखना है। मगर ऐ मोमिनों, सुकून के लिए यादें नबी में खो जाएं, चलो मदीना चले और वहीं के हो जाएं। सुकून के लिए यादें नबी में खो जाएं, चलो मदीना चले और वहीं के हो जाएं। उठे तो कलमे नामे नबी ज़बां पर हो, उन्हीं का जिक्र अगर करते करते सो जाएं। उन्हीं का जिक्र अगर करते करते सो जाएं, मगर दुरूद पाक पढ़कर अपने दिल को शांत कर लेना, ये बरकत का सबब है अपने घर मीलाद
कर लेना, तेरे ईमान में आने लगे लर्जिश अगर मोमिन, तो सरकारे दो आलम का जमाना याद कर लेना। तेरे ईमान में आने लगे लर्जिश अगर मोमिन, तो सरकारे दो आलम का जमाना याद कर लेना। लीजिए साहब, ना तेरे रसूल पेश करने जा रहा हूँ बिल्कुल नहीं, इन चार मिसरों की तमहीद के साथ के उठा ले देखो तबर, कातिले पति बन जा, जिहाद करना है तुझको तो सरहदी बन जा, ये जमाना तुझको करेगा अदब से छुपके सलाम, मगर ये शर्त है पहले मुहम्मदी बन जा, मगर ये शर्त है पहले मोहम्मदी बन जा। इसीलिए मेरा कहना है कि तवज्जो कि आशिके मोहम्मद का आशिक़-ए-मोहम्मद का इश्क फूल वाला है, फूल वाला है। सुभान अल्लाह, तवज्जो। और इस स्टेज पर सभी लोगों से, कमेटी के सब लोगों से खास तवज्जो। कैसे खुदा वाली दिल रसूल वाला है। कमेटी के मेंबरान की जानिब से नजराना मिला है, और 100 रुपए हमारे भाई अंसारुल साहब की जानिब से इनायत हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मतले पर आप लोगों ने मुझे इनाम से नवाजा। किस बात पर? आशिक़-ए-मोहम्मद का इश्क़ फूल वाला है।
जान है खुदा वाली, जान है खुदा वाली, जान है खुदा वाली, दिल रसूल वाला है, जान है खुदा वाली, दिल रसूल वाला है, आपकी जमातों की नजर कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, देखिए पूरी नात बहुत हसीन लिखी है, ये भी जनाब कैसर समस्तीपुरी है, कहते हैं क्या रुपए का नजराना है शेर पर। हमारे बैतुल कला से आए हुए मेहमान असरारुल हम साहब की जानिब से मुझे मिले हैं और ये शेर जो मैंने पढ़ा, सरवरे दो आलम के दर पे जाके देखो तो, सरवरे दो आलम का दर कबूल वाला है, बेशक वो दर कोई मामूली दर नहीं है, दोनों आलम के ताजदार जनाबे अहमद मुख्तार अल्लाह के महबूब का दर पाक है, वो कबूलियत वाला दर है। मैं हमारे बुकारों से जो मेहमान आए हैं, हमारे फारूक साहब बुकारों से भी आए हैं प्रोग्राम सुनने के लिए, मैं उनसे भी तवज्जो चाहता हूं इस शेर पर। कैसे से फैजिया होता है, फैजिया
रहमत से कौन जो निगाह रखता है जो निगाह रखता है जो निगाह रखता है जो उसूल वाला है जो निगाह रखता है जो उसूल वाला है फैजियाब होता है सीरत मोहम्मद से जो निगाह रखता है जो वसूल वाला है बेशक लेकिन आखिर में कहना है क्या फूल बन के दिखलाए चाटी दौलत की चाटी फैजियाब होता है सीरत मोहम्मद से फैजियाब होता है सीरत मोहम्मद से फैजियाब होता है सीरत मोहम्मद से मैं शेर आखिर में ये सुनाना चाहता हूं आपको क्या फूल बन के दिखलाए फूल बन के दिखलाए या तो फिर निकल जाए फूल बन के दिखलाए या तो फिर निकल जाए फूल बन के दिखलाए या तो फिर निकल जाए फूल बन के दिखलाए या तो फिर निकल जाए फूल बन के दिखलाए या तो फिर निकल जाए कैसे एक शेर याद आ गया अगर आप सुभान अल्लाह कह दोगे तो मजा आ जाएगा इंशाल्लाह बोलिए जोर से सुभान अल्लाह शुक्रिया एक शेर में इस नाते रसूल में अपनी जानिब से पेश कर रहा हूं उम्मीद है पसंद करेंगे आप लोग कैसे और स्टेज पर बैठे हुए सब लोगों से भी तवज्जो शुक्रिया हमारे ये जनाब लतीफ अंसारी साहब कुसरडी उनकी जानिब से ही है 100 रुपए का नजराना मिला है बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ अंसारी साहब का हाँ आरजेडी अध्यक्ष अमजद साहब मखदूमपुर उनकी जानिब से ये 500 रुपए का नजराना मुझे मिला है बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब का अमजद साहब ये शेर सुनना जरा और हमारे इस उर्स कमेटी के तमाम मेंबरान हजरात पूरी कमेटी मैं सबकी नजर कर रहा हूँ ये शेर कैसे जमी मैली ऐ मोमिनो जमी मैली नहीं होती जमी मैली नहीं होती जमी मैली नहीं होती समन मैला नहीं जनाब कौसर रजा साहब बैतुल कला उनकी जानिब से 100 रुपए इनायत हुए बहुत बहुत शुक्रिया जमी मैली नहीं होती समन मैला जमी मैली
सैयद शाहबख्श अली रहमतुल्लाह अलैह का 140वां और हर साल की तरह इस साल भी 1 अप्रैल को सरजमीने भर्रा बस्ती में मनाया जाएगा। नाज बारसी एंड पार्टी बनारस और साबिर सैफ अली चिश्ती ये वहां तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग 1 अप्रैल जो हर साल प्रोग्राम होता है उसमें पहुंचिए। देखिए कमेटी की जानिब से हमारे मोहतरम ने मुझे बताया कि नाम किसी का ना पुकारे, सिर्फ कमेटी का नाम ले आप। तो देखिए साहब, मैं यहां तक तो खैर मैंने जो नाम लिए हैं, हाँ, डाम बायड़ा, कड़कड़ा और अमिरडी, ये तीनों गांव के लोग जो मिलकर ये प्रोग्राम कराते हैं। कमेटी का कहना है कि सिर्फ इस कमेटी का ही नाम लिया जाए, बाकी कोई भी आपको इनाम दे कुछ भी तो उसका नाम ना ले, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं मैं। जमीन मेरी नहीं होती, जमीन मेरी नहीं होती, समन मेरा नहीं होता। ये तामरेड़ा कड़कड़ा और अमिरडी उस कमेटी की जानिब से 100 रुपए नाए थे, और ये फिर दाम बहेड़ा कड़कड़ा और अमिरडी कमेटी की जानिब से 100 रुपए मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का इस बात पर। जमीन मेरी नहीं होती, जमन मेरा नहीं होता, मन मेला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। मोहम्मद के बबूल वाला है जो बबूल वाला।
खुदा वाली जान है खुदा वाली जान है खुदा वाली दिल रसूल वाला है जान है खुदा वाली दिल रसूल वाला है।